क्वेश्चन ये है कि स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर 5 केजी का स्फीयर रेस्ट में है और 3 केजी का स्फीयर 7 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से 5 केजी के स्फीयर से हेड ऑन कोलिजन करता है। तो अगर कोलिजन के बाद दोनों स्फीयर के वेलोसिटी का रेशियो 2:3 के इक्वल है तो हमें कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई की वैल्यू फाइंड करनी है और साथ में लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम भी फाइंड करना है। तो इसको प्रोसीड करते हैं। तो एज्यूम करते हैं कि कोलिजन के जस्ट बाद 3 केजी स्फीयर की वेलोसिटी v1 के इक्वल और 5 केजी स्फीयर की वेलोसिटी v2 के इक्वल हो जाती है। सो वी हैव v1 बाई v2 इक्वल टू 2/3 इक्वल टू द क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करते हैं। वी हैव इनिशियल मोमेंटम द सिस्टम इक्वल टू 3×7 प्लस 0 इक्वल टू फाइनल मोमेंटम दैट इज 3v1 प्लस 5v2। दिस इज इक्वेशन 1। नेक्स्ट अप्लाई करते हैं कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन विल बी इक्वल टू ई टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। सो वी हैव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू v2 माइनस v1 इक्वल टू ई टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच दैट इज 7। ठीक है, तो हमें ई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक कन्फर्म है कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करके हम v1 v2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, इसमें पुट करेंगे और ई की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव 21 इक्वल टू 3v1 प्लस 5v2। v2 की वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं, दिस इज 3v1 बाई 2। ठीक है, सो दिस इम्प्लाई दैट, तो यहाँ से 3 कैंसिल हो जाएगा। सो वी हैव 7 इक्वल टू v1 प्लस 5v1 बाई 2। दिस इज 7v1 बाई 2। सो दिस इम्प्लाई दैट v1 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एंड v2 विल बी 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो वी हैव e इक्वल टू v2 माइनस v1 दैट इज 3 माइनस 2 दैट इज 1 बाई 7। तो आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम फाइंड करना है। वी हैव लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इनटू 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, वेयर के ई आई इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम। ठीक है, तो सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के रेफरेंस फ्रेम से सिस्टम की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ इंटू रिड्यूस मास दैट इज m1 m2 डिवाइड बाई m1 + m2 दैट इज 8 इंटू स्क्वायर ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। तो इनिशियली दोनों स्फीयर के बीच रिलेटिव वेलोसिटी 7 है, तो ये 7 स्क्वायर के इक्वल हो जाए। ठीक है, तो पहले इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, इक्वल टू दिस इज 15/16 इंटू 49। ठीक है, सो वी हैव लॉस इक्वल टू के ई आई दैट इज
15/16 इंटू 49 इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर इज 1/7, सो दिस विल बी 1/49, ठीक है. सो दिस इज इक्वल टू 15/16 इंटू 49 कैंसिल और हो जाएगा 48. सो वी हैव 16 × 3 = 48, सो दिस इज 45 जूल, ये आंसर हो गया, ठीक है. तो सेंटर ऑफ मास के रेफरेंस फ्रेम से लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है. तो यहाँ पर ये जो रिजल्ट है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और इस रिजल्ट को हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है. तो इस तरह से ये सॉल्यूशन हो गया. थैंक यू.